भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष की विशेष मांग पर सीएम ने मन से डाबली सड़क निर्माण की घोषणा की। अब जल्द बनेगी सड़क, ग्रामीणों को मिलेगा लाभ। खबर श्योपुर से है, जहां विगत 22 अगस्त को प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव कराहल कार्यक्रम में शिरकत करने आए हुए थे। उसी समय अपने क्षेत्र में व्याप्त सड़क की समस्या को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष सुरेश गुर्जर, वन मंत्री रामनिवास रावत, प्रभारी मंत्री राकेश शुक्ला, कृषि मंत्री इंद्र सिंह कंसाना सहित क्षेत्रीय सांसद शिवमंगल सिंह तोमर से मिली। उन्होंने अपने लेटर पर डाबली से झरेर तक की कुल 6 किलोमीटर लंबाई की सड़क बनवाने की विशेष मांग की इन सभी नेताओं के सामने रखी और उन्होंने बताया कि इस डाबली से झरेरा तक सड़क न होने की वजह से बारिश में ग्रामीणों को बहुत परेशानी आती है। आसपास के क्षेत्र के लोग तो राशन तक नहीं लेने पहुंच पाते हैं। ये मार्ग तालाब में तब्दील हो जाता है, जिससे आमजन और वाहनों को निकलने में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस जनहित समस्या को सभी ने गंभीरता से लिया और सीएम को बताया, जिस पर हुआ ये कि सीएम ने मन से ही डाबली से झरेर तक की सड़क निर्माण को हरी झंडी दे दी है। इसे सुन वहां पंडाल में मौजूद लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। देखिए फास्ट समाचार से संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सरजूपुरा से मालीपुरा रोड और झवेर से ढावरी, इन तीनों रोडों का निर्माण करने की भी यहीं से घोषणा की जाए। 22 अगस्त को आज सीएम साहब आए थे और मैं आदरणीय जी से पर्सनल मिला था, तो मैंने मेरी गांव की समस्याएं और भी गांवों की समस्याएं उनको लेटर पेड से लिख के उनको माध्यम से अवगत कराई थी कि जैसे जरेर से डाबली का रोड है जो आगे कई बार मंजूर हो चुका है, लेकिन बस ये घोषणा ही हो जाती है, बस घोषणा होती रहती है, उस पर काम हुआ नहीं है, अमल नहीं होता है, अमल होता नहीं है। अभी क्या लग रहा है? अब लग रहा है कि माननीय हमारे वन मंत्री रामनिवास जी रावत, तो क्षेत्र का विकास होगा, हमारे सभी की समस्याएं का हल होगा और मुझे लगता है कि अब हो ही जाएगा उनका भूमि पूजन होके और जल्द से जल्द हो जाएगा। अभी आप पर भाजपा में कौन सा पद है? मैं जिला उपाध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा शोपुर। अच्छा, तो और नेता प्रयास कर रहे हैं आपके साथ जिले जी की चीज में? और भी नेता प्रयास कर रहे हैं, श्रीमती गुड्डीबाई जी, जयदीप तोमर जी और हमारे माननीय सांसद मोदी जी, ये सब भी चाहते हैं और सड़क जल्द से जल्द बन जी, ये सब चाहते हैं। क्या उम्मीद है, अब कब तक बन सकती है सड़क? कितनी समस्या है सड़क के ना होने से? क्या समस्या है? ये सड़क से ना होने से ना तो वहाँ गाड़ी जाती है, और जाती भी है तो 100 किलोमीटर का चक्कर लगाते जाती है, गोरस होते हुए बुढ़ेरा से फिर जरेल, जरेल ग्राम पंचायत का मुख्यालय है, वहाँ पे 4 महीने रास्ता बिल्कुल बंद रहता है। वहाँ पे जैसे अपना ये अनाज का वहाँ लेने जाते हैं तो ये भी कोई 4 महीने तक बिल्कुल बंद रहता है। तो इस सड़क की अत्यंत आवश्यकता है, इसकी घोषणा तो आज सीएम साहब कर चुके हैं मन से? घोषणा कर चुके हैं, लेकिन घोषणा पहले भी हुई थी, पहले भी कई बार घोषणा हुई थी, लेकिन अब इसका जल्दी से भूमि पूजन होकर रोड का काम चालू हो जाए, ये हम चाहते हैं। और हमें विश्वास है कि माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर इसको जल्दी करवा देंगे, और सभी को आभार व्यक्त करता हूँ माननीय वरिष्ठ नेताओं का। इस विषय पर प्रभारी मंत्री जी से चर्चा हुई? जी माननीय, मैं प्रभारी मंत्री जी से विशेष मिला हूँ, राकेश शुक्ला जी से, उन्होंने बताया कि जल्दी आपका निराकरण कर दिया जाएगा।